हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बैंक एग्जाम टुडे के यूट्यूब चैनल में। पर आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी सीरीज का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स पढ़ेंगे जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी का थर्ड चैप्टर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल्स क्या होते हैं। शेड्यूल्स बेसिकली लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कैटेगराइज और टैबुलेट करती है ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट को। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये जो 4 नए शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं, ये हुए हैं 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ किस अमेंडमेंट की वजह से कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 की वजह से 9 शेड्यूल ऐड हुआ। 52nd अमेंडमेंट 1985 के वजह से 10 शेड्यूल ऐड हुआ। 73rd अमेंडमेंट 1992 की वजह से 11 शेड्यूल ऐड हुआ और 74th अमेंडमेंट 1992 की वजह से 12 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से कौन सा शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। अब हम एक एक कर उन 12 शेड्यूल के बारे में बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इंडिया की सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के नाम हैं और उनके टेरिटोरियल डिमार्केशन के बारे में भी बताया गया है। इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट स्टेट बनी है वो है तेलंगाना और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के मेंबर हैं। नेक्स्ट है सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल हमें बताता है सैलरी और एमोल्यूमेंट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में। पार्ट ए हमें बताता है सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में। पार्ट बी ओमिटेड है। पार्ट सी हमें बताता है सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के बारे में। पार्ट डी हमें बताता है सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में और पार्ट ई हमें बताता है सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। बेसिकली सेकंड शेड्यूल हमें सैलरी और एमोल्यूमेंट्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म होते हैं ओथ और एफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल हमें बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा के बारे में। याद रखिएगा राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 लेकिन करंट स्ट्रेंथ है 245। इन 245 सीट्स में 233 सीट्स पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और बाकी 12 सीट्स पर प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। इन 12 मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है और ये वो लोग होते हैं जिनका एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस में। एग्जाम्पल हैं रेखा और सचिन तेंदुलकर। इन्हें प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करा था 2012 में और इनका जो टर्म है वो 2018 में एक्सपायर होगा। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा में किस स्टेट की मैक्सिमम सीट्स होती हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम सीट्स होती हैं राज्यसभा में और वो हैं 31। इसके अलावा लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा की, जो की है 1। तो याद रखिएगा मैक्सिमम सीट्स हैं उत्तर प्रदेश की और लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं इन सभी स्टेट्स की। नेक्स्ट है फिफ्थ शेड्यूल।
फिफ्थ शेड्यूल हमें बताता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स के बारे में। नेक्स्ट है सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल में प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश के। इसके बाद है सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल हमें बताता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। इस शेड्यूल में तीन लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर रूल यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस, आर्म फोर्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्सेस, टैक्सेस ऑन सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फॉरेन रिलेशन एंड अदर। टोटल 100 सब्जेक्ट होते हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट रूल बनाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि जितने भी टैक्स रिलेटेड रूल्स होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम का रूल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और ये स्टेट लिस्ट में लिस्टेड है। ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में टोटल 61 आइटम्स होते हैं। ओरिजिनली इसमें 66 आइटम्स होते थे, लेकिन अब वो कम होकर 61 हो गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में होते हैं वो हैं सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन, टोल टैक्स, टैक्स ऑन लग्जरी एंड अदर। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में हैं, जिन पर स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल बनाती है। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। करेंटली कॉन्करेंट लिस्ट में 52 आइटम्स हैं, लेकिन ओरिजिनली इस लिस्ट में 47 आइटम्स हुआ करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो इस लिस्ट में हैं वो हैं क्रिमिनल लॉ, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, मैरिज एंड डिवोर्स, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन एंड अदर्स। तो याद रखिएगा कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट अपने लॉ बना सकती हैं, लेकिन अगर कभी एक ही सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ का क्लैश होता है तो यूनियन गवर्नमेंट के लॉ को प्रेफरेंस मिलती है बजाय कि स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड जो आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। ये लैंग्वेजेस हैं असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी। तो ये हैं 22 लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो सिंधी लैंग्वेज थी वो ऐड हुई थी 1967 में 21st अमेंडमेंट के द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेजेस 1992 में 71st अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी और संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी जो लैंग्वेजेस हैं वो 2003 में 92nd अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी। अब मैं आप लोगों के साथ एक फन फैक्ट शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप कोई भी बैंक नोट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि उस नोट पर 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और इन 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस में उस नोट की वैल्यू लिखी गई है। 17 लैंग्वेजेस में दो लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश फ्रंट साइड पर होती हैं और बाकी 15 लैंग्वेजेस नोट के बैक साइड पर होती हैं। ये सारी लैंग्वेजेस उस नोट की वैल्यू को बताती है। याद रखिएगा फ्रंट साइड पर हिंदी और इंग्लिश में उसकी वैल्यू लिखी जाती है और बैक साइड पर असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल,
तेलुगु और उर्दू में उसकी वैल्यू लिखी जाती है। तो एक ये फन फैक्ट है, आई होप आप लोगों को ये फन फैक्ट पसंद आया हो। नेक्स्ट है नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा एड किया गया और इस शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशन पर काफी फोकस किया। इसके बाद है टेंथ शेड्यूल। टेंथ शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट द्वारा एड किया गया और ये डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट द्वारा एड किया गया और ये हमें पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है पंचायत की। इसके अलावा ये उन 29 सब्जेक्ट्स के बारे में भी हमें बताता है जिन पर पंचायत का ज्यूरिडिक्शन है। लास्ट शेड्यूल है 12th शेड्यूल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया और ये हमें पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है म्यूनिसिपैलिटीज की। इसके अलावा ये हमें उन 18 सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताता है जिन पर म्यूनिसिपैलिटी का ज्यूरिडिक्शन है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।